हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने 21 डेज़ के चैलेंज को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। आज हमारा 21 डेज़ चैलेंज का 6th डे है और अभी तक तो मैं भी अपने चैलेंज को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने इस चैलेंज को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी करूँ। फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन और आज माही और उसके पापा दोनों की ही छुट्टी है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं सुबह उठते ही बस सबसे पहले अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी। अभी देखिए 9 भी नहीं बजे हैं और अभी तक माही सो रही थी, इसीलिए मैं उसके पास ही बैठी थी और मैं अपना जीएस का पोर्शन रिवाइज कर रही हूँ। ये जो मैंने आपके साथ बुक दिखाई थी उसमें से जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनका रिवीजन मैं कर रही हूँ। कल भी मैंने आपसे बताया था कि मैं सबसे पहले इसकी रिवीजन करूँगी। मैं एक या दो दिन आगे के क्वेश्चंस करती हूँ, लगभग 100+ क्वेश्चन मैं डेली करती हूँ और उसके बाद एक दिन का गैप लेके मैं स्टार्टिंग से उन्हें रिवाइज करती हूँ, ताकि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें तो मैं अच्छे से कर पाऊँ और वो मेरे माइंड में भी काफी लंबे टाइम तक रह सके। चाहे आप थोड़ा पोर्शन कर रहे हैं लेकिन उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। एग्जाम टाइम में हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं और इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अभी मेरा सर्वाइकल पेन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए मैं जब भी टाइम मिलता है इसे हॉट वाटर बैग के साथ थोड़ी सी सिकाई करती हूँ और फिर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अभी इसमें कहीं ना कहीं मैंने ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, इसीलिए आज मुझे ये पेन हो रहा है। जब मुझे माही हुई थी उस टाइम मैंने अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान नहीं रखा था, इसी की वजह से आज ये पेन थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है। इसीलिए जितने भी मेरी हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं आप भी इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिए, आप अपनी वैल्यू समझिए, आपको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दूसरा कोई नहीं ऐसा जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए, आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे देखिए, जब हम छोटे थे, जब हमारी मम्मी घर पर नहीं होती थी तो हम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते थे। भले ही हमें घर पर खाना भी मिल रहा है, टाइम टू टाइम हमारी सारी काम भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो एक हाउस मेकर होती थी। जिस तरीके से वो घर के सारे कामों को मैनेज करती थी, हमारे कामों को मैनेज करती थी, उस तरीके से दूसरा कोई नहीं कर सकता था। उसी तरीके से आज के टाइम पे आप जो हैं वो अपने घर को संभालती हैं, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हैं, जितने भी सारे काम हैं जिस तरीके से आप उन्हें मैनेज करती हैं दूसरा कोई उन्हें उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। इसीलिए फ्रेंड्स आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम ही अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, हमें ही कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू समझ में नहीं आती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप अपनी वैल्यू को समझिए, तभी दूसरे भी आपकी वैल्यू को समझेंगे। उन्हें भी ये पता चलना चाहिए कि आप उनके लिए सारा दिन में कितना कुछ करती हैं। वैसे भी हाउसवाइफ दिन भर काम में लगी रहती है फिर भी उसके काम की कदर नहीं होती है। कहीं ना कहीं इसके लिए हम खुद भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम खुद ही अपनी वैल्यू करवाना नहीं जानते हैं। तो जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ आपकी वैल्यू क्या है, दूसरों को भी ये पता चलेगा कि हाँ आप कितना कुछ करती हैं उनके लिए पूरा दिन, हम अपने इन काम के लिए उन लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से थोड़ी सी रिस्पेक्ट की ही आशा करते हैं। और आपको तो पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घर में जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो जितनी ज़्यादा दबती हैं उन्हें उतना ही ज़्यादा दबाया जाता है। बहुत सारे आसपास आपको अपने ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे और सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां लेडीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो हमारी सोसाइटी में आसपास हमें हर तरीके के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए हमें हमारी वैल्यू को समझना चाहिए और जो भी हमारे आसपास हो रहा है वहां से हमें कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। और एजुकेशन तो एक ऐसा माध्यम है जिसकी हेल्प से आप लगभग सभी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम लोगों की थिंकिंग तक को चेंज कर सकते हैं, उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो प्लीज़ आगे ज़्यादा मत सोचिए। जब आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगी तो उससे आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद नज़र आने लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही होगा। जब आप आज एजुकेशन लेंगी तो आने वाले टाइम में अपने बच्चों को भी अच्छे से एजुकेट कर पाएंगी और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर कर पाएंगी।
अभी मैं कर रही हूँ अपना हिंदी का पोर्शन और अभी तक तो वैसे ही कंटिन्यू कर पा रही हूँ जिस तरीके से सोचा था, लेकिन बीच में मुझे 2 से 3 दिन के लिए बाहर भी जाना है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, मेरे कज़न की शादी है तो उसमें लगभग मेरे 2 से 3 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ हमारी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसमें मुझे जाना भी पड़ेगा। पर जब इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, स्मार्टली अपनी पढ़ाई के लिए वक्त निकालते हैं और जब हमें आने वाले टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। इसीलिए आप अपनी मेहनत को जारी रखिए, जो आप कर रही हैं उसे कंटिन्यू कीजिए। सच्चे मन से की गई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे साथ अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखिएगा। थैंक यू।